एंड आप लोग का जब भी इंटरव्यू होगा आप लोग भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक ईमेल आईडी मिल जाएगी, उस ईमेल आईडी पे आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो जिससे आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो जाए, बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। एंड आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन वहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं एंड क्या डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है, कितने मिनट का इंटरव्यू रहने वाला है, कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर समझ आ जाएगा। एंड ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस जितने भी स्टूडेंट्स का अपकमिंग इंटरव्यू है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को TCS स्मार्ट इंटरव्यू मटेरियल इंटरव्यू पैकेज में की तरफ लेके जाने वाला हूँ। एक हमने कंप्लीट इंटरव्यू मटेरियल बनाया है, एक पैकेज बनाया है जिसके अंदर आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे, स्मार्ट हायरिंग के HR के क्वेश्चंस होंगे एंड एक रेफरल टेम्पलेट भी होगी एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस की भी हमने एक पैकेज बनाया है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस जिसके अंदर दो कैंडिडेट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है। सो ये कैसे आपको मटेरियल लेना है, कैसे इसको ग्रैब कर सकते हो, ये मटेरियल ऐसा टॉप नॉच लेवल कंटेंट कोई भैया दीदी आपको नहीं देगा, ये टॉप नॉच लेवल कंटेंट आपको द बीटेक फैक्ट्री चैनल पे मिलने वाला है। अब कैसे इसको हम ग्रैब कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक हमने टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई है एंड ये टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चन की पीडीएफ गाइस अमेजिंग, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी डाल दी थी। ये इंटरव्यू क्वेश्चन पीडीएफ अगर आपने अब तक नहीं ली है, ये टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चन की शीट नहीं ली है, सो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। हो सकता है आपसे मोस्टली क्वेश्चन इस 20 शीट में से आ जाए एंड मैं गारंटी दे रहा हूँ किसी स्टूडेंट के इंटरव्यू के अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे, किसी के 4 आएंगे, किसी के सारे इस शीट में से आने वाले हैं। बट इस शीट के अंदर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। जो इस शीट के अंदर ये 20 क्वेश्चन होंगे, ये 20 क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, काफी एनालिसिस किया है मैंने और मेरी पूरी टीम ने, काफी एनालिसिस किया है। 2023 2024 के इंटरव्यू क्वेश्चन देखे गए हैं, रिसेंटली लेटेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखे गए हैं, जब जाके ये टॉप 20 इंटरव्यू क्वेश्चन बनाए गए हैं एंड इसकी पीडीएफ कैसे आपको मिलने वाली है, ये तीनों की तीनों मटेरियल ग्रैब कर लेना। चलते हैं पीडीएफ की तरफ। आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगा मेरी टॉममेट प्रोफाइल का, आप लोग को टॉममेट पे आ जाना है। यहाँ टॉममेट पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। टॉममेट पे आप बहुत सारे मेंटोर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी कंपनी के एक्सपर्ट से कॉल करनी है तो आप टॉममेट से कर सकते हो। आप लोग को डायरेक्टली आ जाना है मेरी प्रोफाइल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, पिन कमेंट के अंदर मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को ये कंप्लीट शीट मिल जाएगी, गारंटेड टॉप 20 TCS स्मार्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। ये शीट अभी के अभी ग्रैब कर लेनी है, अभी रीलोड हो रही है, मैं एक बार देख लेता हूँ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये कंप्लीट शीट आपको कैसे लेनी है। तो ये आ चुकी है हमारी गारंटेड टॉप 20 TCS स्मार्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, मतलब ये प्राइस जो है कुछ भी नहीं है, ये फ्री है। 11 रुपीज का हमने यहाँ पे मिनिमम अमाउंट रखी है, गेट दिस। हर एक स्टूडेंट्स को पीडीएफ अभी के अभी ले लेनी है। अब आप लोग कहोगे भैया तो 61 दिखा रहा है, बट यहाँ पे आपको नेम, ईमेल और फोन नंबर आप जैसे यहाँ पे मेंशन करोगे, आपको यहाँ पे 11 पे जाना है एंड ये गेट इंस्टेंट आंसर वाला ऑप्शन अनक्लिक कर देना। ओनली यू हैव टू पे 11 रुपीज कन्फर्म एंड पे एंड ये पीडीएफ हर एक स्टूडेंट्स को लेनी है। जितने स्टूडेंट्स को अभी मेल नहीं आई है इंटरव्यू की, जितने स्टूडेंट्स को ये मेल आ चुकी है, आप लोग को पीडीएफ ले लेना, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ईमेल रिसीव नहीं हुई है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ, अभी से अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। अगर आप मेल के भरोसे रहोगे कि जब ईमेल आएगी, जब हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। अभी के अभी गारंटी टॉप 20 पीडीएफ ले लेना। और आप लोग के लिए दो पैकेजेस बनाए हैं, ये मोस्टली स्टूडेंट्स ने ले लिए होंगे, बट जितने स्टूडेंट्स ने नहीं लिया अभी के भी ले लेना। TCS स्मार्ट एंड इग्नाइट कंप्लीट इंटरव्यू मटेरियल जिसके अंदर एक HR इंटरव्यू क्वेश्चन की पीडीएफ होने वाली है, एक आपकी इग्नाइट इंटरव्यू क्वेश्चन जिसके अंदर आंसर्स भी रहने वाले हैं एंड वन क्लिक रेफरल टेम्पलेट। ये रेफरल टेम्पलेट आप किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कनेक्ट हो सकते हो जस्ट वन क्लिक के अंदर, ठीक है। ये भी आप एक्सेस कर लेना, ये भी 11 रुपीज की रहने वाली है एंड एक और है आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस करके, यहाँ पे आपको मिल जाएगी TCS स्मार्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस।
यहाँ पे दो कैंडिडेट के इंटरव्यू एक्सपीरियंस की पीडीएफ रहने वाली है, ये भी आप एक्सेस कर लेना। सो ये कंप्लीट टॉप नॉच लेवल कंटेंट आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अभी के अभी ये कंप्लीट पीडीएफ ले लेना। गाइस अब बात करने वाले इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, मैं आपको डिफिकल्टी लेवल, सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल पे बात करते हैं कि भैया डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है आपका इजी टू मीडियम लेवल, नॉट सो मच हार्ड, वेरी इजी क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे, इजी टू मीडियम लेवल रहने वाला है। इजी क्वेश्चन ही मोस्टली आपसे पूछे जाएंगे, मीडियम लेवल क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाएंगे, हो सकता है दो से तीन मीडियम लेवल क्वेश्चन पूछे जाए, बट मोस्टली फोकस इजी क्वेश्चन पे रहेगा। टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के अंदर जो इंटरव्यूज होते हैं वहां पे आपसे इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड सबसे ज्यादा आपको रेज्यूमे पे फोकस करना है, अपना रेज्यूमे बेस्ट बनाना है, रेज्यूमे पे फोकस करना है। जो भी चीज आप रेज्यूमे के अंदर मेंशन कर रहे हो, सपोज आपने C++ मेंशन की, या आपने जावा मेंशन की, या सपोज आपने पाइथन मेंशन की, आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वहां पे मेंशन की है, सो आपसे उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने रेज्यूमे के अंदर C++ मेंशन कर दिया और आपको C++ की नॉलेज नहीं है। सो सिर्फ रेज्यूमे के अंदर मेंशन मत करना, अगर आपको वो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, इफ यू हैव अ डेप्थ नॉलेज दैट पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो यू कैन मेंशन इन योर रेज्यूमे। सपोज अगर आपको जावा बहुत अच्छी तरीके से आती है, सो सिर्फ जावा ही मेंशन करना, एंड पाइथन बेसिक आती है, सो पाइथन मेंशन मत करना। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, जिस पे क्रॉस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप मेंशन करोगे उस पे से दो से तीन क्वेश्चन वहां पे आपसे पूछे जाएंगे, इंटरव्यूअर जरूर पूछेगा। सो वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन करना जो आप इजीली बता सकते हो। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए पूछा जाता है, एंड आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, वेदर यू गो टू सर्विस बेस्ड कंपनी, MNCs एंड इंटरनेशनल कंपनी, किसी भी कंपनी में आप चले जाओ, चाहे आप Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, या TCS, टेक महिंद्रा, कैपजेमिनी, किसी भी कंपनी में चले जाओ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। टेल मी अबाउट योर सेल्फ का आंसर कैसे फ्रेम करना है, हमने एक सेपरेट इंटरव्यू वन शॉट बनाया है, उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ब्रीफ अबाउट योर प्रोजेक्ट, ये भी हमने वहां अच्छी तरीके से बताया, व्हाट चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे मतलब ये मान लेना कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखे हैं, एंड उन इंटरव्यू एक्सपीरियंस से एनालिसिस करके ये क्वेश्चन मुझे काफी बार रिपीट मिला है, ये क्वेश्चन उस पर्टिकुलर कैंडिडेट से पूछा गया, उस पर्टिकुलर कैंडिडेट से पूछा गया, प्रोबेबिलिटी है आपके इंटरव्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ये आंसर कैसे फ्रेम करना है, चैलेंजेस के अंदर आप टाइम मैनेजमेंट का बता सकते हो, ठीक है कि हमें टाइम मैनेजमेंट का इशू रहा था, टाइम मैनेजमेंट इज अ मेजर प्रॉब्लम, एंड आप डीबगिंग का बता सकते हो कि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहां पे बहुत सारे एरर्स आते हैं, तो वो आपने डीबग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर पिलर ऑफ हुक्स, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये चार पिलर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनको अच्छी तरीके से कर लेना। वन शॉट के अंदर मैंने विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बताया है, इसमें से जरूर क्वेश्चन पूछ जाएगा, इंटरव्यूअर डायरेक्टली आपसे एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म कुछ भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। व्हाट इज इनहेरिटेंस विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट है SQL joins, मोस्ट इंपॉर्टेंट, SQL के join काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द अप्रोच ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की अप्रोच, यहाँ पे उस पर्टिकुलर कैंडिडेट से कोड नहीं पूछा गया था, ओनली अप्रोच, सो आपसे डायरेक्टली अप्रोच भी पूछी जा सकती है, प्राइम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, लीप ईयर, ये सब प्रोग्राम अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन TCS या वाई TCS, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है, आर यू रेडी टू रिलोकेट, ठीक है, सो आपको यहाँ पे यस बोलना है, आई एम रेडी टू रिलोकेट, आप कहीं पे भी, लोकेशन इज नॉट अ मैटर, लोकेशन मैटर नहीं करती है, लोकेशन डजंट मैटर्स, ठीक है, लोकेशन मैटर नहीं करती है। देखो मुझे पता है कि लोकेशन मैटर करती है, बट इंटरव्यूअर के अंदर, वहां पे इंटरव्यू के अंदर आपको कुछ चीजें अपने हिसाब से फ्रेम करनी पड़ती है, अगर वहां पे आप नो बोल दोगे, तो एक बहुत बड़ा मेजर रोल वहां पे, मेजर इंपैक्ट आएगा, आपका इंटरव्यू रिजेक्ट पे जाएगा, 100% जाएगा, चाहे वे आपको कुछ भी लोकेशन दे रहे हो, चाहे वो आपके होम टाउन से कितनी भी दूर हो, वहां पे आपको यस बोलना है, ठीक है। अगर आप नो बोलते हो, अगर आपको रिजेक्ट होना हो तो आप नो बोल सकते हो। मुझे पता है जो भी इस वीडियो को देख रहा है कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो रिजेक्ट होना चाहता है, एंड मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो, सेलेक्ट होने के बाद मुझे ईमेल जरूर करना, डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल आईडी है, एंड पार्टी तो आप सभी स्टूडेंट्स को देनी है, ठीक है। सो गाइस होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को कंप्लीट वीडियो में मजा आया हो, चीजें समझ में आई हो, एंड जो आपके भैया ने आप लोगों के लिए पैकेजेस बनाए हैं
पीडीएफ बनाई है उनको ग्रैब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जाना जाके ग्रैब कर लेना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।